और एक मैस बैग है, बहुत से लोगों से शिकायत होती है ना कि साइड में कपड़े गिर जाते हैं या बहुत तेज चला तो पीछे गिर जाते हैं, इधर गिर जाते हैं। तो जो भी छोटे हो जाए, सॉक्स हो गए, जुराब हो गए या अंडर गार्मेंट्स हो गए, तो वो आप इसमें डाल के ऐसे पूरा है ऐसा बैग टाइप में इसको खोल के इसमें आप डाल देते हैं और डालने के बाद आपने बंद किया, इसके अंदर रख दिया और इसके अंदर सीधा से डाल देंगे तो कपड़ा इसमें वॉश हो जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो है 224, जो हमने फिल्टर दिखाया था वो 300, वो 300 रुपये का था। तो ठीक है, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छी मशीन है ये और आप इसको परचेज कर सकते हैं। और भी ऐसे और आगे प्रोडक्ट जो है वो मैं लाता रहूँगा। तो भाई ये रहती है इसकी पैकेजिंग और यहाँ पे नीचे इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि आपके कपड़े जो है नए रहेंगे, काफ़ी लॉन्गर टाइम तक टैंगलिंग नहीं होगी और हर वॉशिंग मशीन के लिए ये कंपेटेबल है। पीछे इसका प्राइस लिखा हुआ है 290, बट एक्चुअल में इसका जो प्राइस है 224 है। LG की ओरिजिनल एक्सेसरीज में से ये एक है। तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट लगती है जैसे कि अंडर गारमेंट्स या फिर सॉक्स या फिर कोई भी छोटा कपड़ा कुछ भी है इसके अंदर डाल के आपको खाली वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दे देना, अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। LG कस्टमर केयर पर कॉन्टैक्ट करके इंजीनियर आपको घर पर देख के चले जाएंगे। ये फिल्टर है तो भाई ये ना एक यूनिक प्रोडक्ट था LG का, तो भी फिल्टर चुप हो जाता है। हाँ तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है। तो भी सर आए थे हमारे साथ, तो मैंने कहा बना लेते हैं इसका एक डेमो। तो ये देखिए LG का वाटर इनलेट फिल्टर है। तो एक फिल्टर तो हमारा होता है इसके अंदर, तो इन्होंने क्या इसको नहीं खोलते ना इसे? अब जैसे इसको अगर आपको नहीं खोलना है तो एक नल लग जाएगा, देखिए इस नल पे लग जाएगा, ये बंद कर लेंगे, ये रिमूव कर लेंगे, ये हट जाएगा और फिर इसकी जगह ये लग जाएगा और ये फिर इसमें कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। तो लग जाए तो पानी सारा यही हो जाएगा। तो जब भी ये भर जाता है ना डस्ट से, फिर इसको रिमूव करेंगे ऐसे, ये भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। ये है ना सिर्फ ये वाला हिस्सा खोलेंगे नीचे, ये तो नल पे ही लगा रहेगा, इसको नीचे से घुमा के खोल लेंगे। जब भी ये भर जाता है ना ये पानी का प्रेशर, तो आपको पूरा नहीं खोलना पड़ेगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा और इसको ऐसे हटा के वॉश कर लेंगे। इसको आप जो है वो क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद ये होल वाला हिस्सा ना अंदर की तरफ रहेगा, इसमें जाके फंस जाएगा। ये फंसने के बाद फिर इसको टाइट कर लेंगे अपना नीचे से ऐसे घुमा के। तो इससे आपको फिर ये जो अपना ये नीचे वाला हिस्सा नहीं खोलना पड़ेगा और इससे जैसे कहीं पे बोरिंग वगैरह का वाटर होता है तो उससे आसानी रहेगी। तो इसमें हम एक सेकंड प्रोडक्ट और दिखाते हैं। दिखता भी रहेगा ना, विजिबिलिटी है कि ये भरा गया है। हाँ दिखेगा, दिखता भी रहेगा, दिखता भी रहेगा विजिबिलिटी के साथ। अब एक दिखाते हैं हम दूसरे वाला प्रोडक्ट। तो भाइयों ये है LG की वॉशिंग मशीन का वाटर इनलेट फिल्टर, जो कि बेसिकली ये जो है वो ट्रांसपेरेंट है और इसका MRP आप देख सकते हैं यहाँ पे 399 आ रहा है, बट इसकी जो कॉस्टिंग है वो 300 है। और ये देख सकते हैं आप, इसकी डिटेल्स मैंने सारी लिखी हुई है यहाँ पे, कोई भी पोज करके देख सकता है। मेन इसका फ़ायदा क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है एक तो डस्ट यहाँ पे सामने दिख जाएगी आपको। अगर आपके यहाँ बोरवेल या समरसीवल रहता है या ज़्यादा गंदा पानी आता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, एक तो दिखता रहेगा, आपको बार बार नीचे फिल्टर खोलने की ज़रूरत नहीं है और ये पूरी डस्ट वगैरह को वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं जाने देगा, मिट्टी को भी, और वॉशिंग मशीन की लाइफ भी आपकी बढ़ जाएगी। देख सकते हैं पूरा मेटल का है और ये बाहर से ट्रांसपेरेंट है और LG की ओरिजिनल एक्सेसरीज में आता है। तो सर आए थे तो मैंने कहा उन्होंने दिखाया था, तो फिर मैंने ये वीडियो जो है वो बना ली है। तो देख सकते हैं क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये फिल्टर इस तरीके से इसके ऊपर लग जाता है, ये इसके अंदर नीचे पे स्क्रू टाइट हो जाएगा, तो इस तरीके से रहता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये।